पीके के रस्म में जो है 11 लाख वगैरह जो है और गाड़ी की बात थी, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। 101 रुपये लेकर के उनको शायद धन्यवाद वापस कर दिए गए। आज के इस कलयुग में दहेज रूपी दानव फलीभूत हो रहा है दिन प्रतिदिन, और इस दहेज रूपी दानव का दहन करना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक के लिए। जिसकी कन्या है उसके माता पिता और कन्याओं में ये भय पैदा हो रहा है दिन प्रतिदिन कि उसकी शादी और उसके पीले हाथ को लेकर के, और माता पिता में भी बड़ा जो है भय रहता है दहेज को लेकर के, और इसी कारण से आज कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है। दहेज के दानों के कारण ही आज हमारी बहन बेटियां जो है आत्महत्याएं कर रही है। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। मेरा नाम तो है रामसुख गुजर, अभी वर्तमान में मैं SDM रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के पद पर पदस्थापित हूँ। क्या है? हाँ, मेरा मानना है कि आज के इस कलयुग में दहेज रूपी दानव फलीभूत हो रहा है दिन प्रतिदिन, और इस दहेज रूपी दानव का दहन करना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक के लिए। जिसकी कन्या है उसके माता पिता और कन्याओं में ये भय पैदा हो रहा है दिन प्रतिदिन कि उसकी शादी और उसके पीले हाथ को लेकर के, और माता पिता में भी बड़ा जो है भय रहता है दहेज को लेकर के, और इसी कारण से आज कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है। दहेज के दानों के कारण ही आज हमारी बहन बेटियां जो है आत्महत्याएं कर रही है। तो मैं तो सालासर बालाजी से भी यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ने जब कहावत भी ये है, चरितार्थ है कि चौंच दी है तो चुगा जरूर ऊपर वाला देगा, तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये ऊपर वाले को चिंता है हमारी, लेकिन हमारी खुद की मेहनत पे हमें ये यकीन होना चाहिए। किसी दूसरे के दिया हुआ पैसा धन उससे काम चलने वाला नहीं। टीके के रस्म में जो है 11 लाख वगैरह जो है और गाड़ी की बात थी, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। 101 रुपये लेकर के उनको शायद धन्यवाद वापस कर दिए गए। कुछ उनके द्वारा कुछ कहा गया? उनके द्वारा कहा, मैंने पहले ही, मैंने जब सगाई का बात हुई बच्ची से, तो तब हमने एक नॉर्मल जो बात होती है सभी के साथ वही हमने बात करी थी कि भाई हमें कन्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो नॉर्मल में ले ली उन्होंने बात के शायद जो है संबंध होते हैं तो सब हर व्यक्ति यही बात कहता है, लेकिन हमने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, हमारे सालासर बालाजी की कृपा है और उसकी कृपा बनी रहनी अच्छा, चाहिए। कोई संदेश जिस तरह से दहेज लोग ले रहे हैं उसको लेकर? हाँ, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज कलयुग में जो ये परंपरा, एक परंपरा बन चुकी है ये, और माता पिता में भी भय पैदा हो गया, कन्या पैदा करने से पहले ही उनके भय पैदा हो जाता है कि मेरे कन्या हुई तो मैं क्या करूँगा, उसका 20 साल के लिए उसका लालन पालन करता है इंसान, और फिर ऐसे दहेज रूपी दानवों के हाथों में चली जाती है, फिर आत्महत्या करती है। तो रामसुख गुजर, SDM रावतभाटा, जिला चित्तौड़। पिताजी ने बहुत अच्छा कदम लिया है और इन्हें हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छे आदर्श दिए हैं, तो उनको हम वैसे ही मेंटेन रखेंगे आगे। दहेज के, जिस तरह से दहेज लेना बढ़ रहा है उसको लेकर कुछ संदेश आपका लोगों को? अब लिटरेसी रेट जिस तरह से हमारी बढ़ रही है, उस तरह से जो युवा है उनको आगे होना आना होगा, जो परंपराएं जो गलत है उस जो सब कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, जो सही है, जो खुद को सही लगता है, जो सबके लिए सही है वो करना चाहिए। नाम बताया? मेरा नाम मयंक राज गुजर है।